नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर वन चैनल। पेश है 16 जून और रविवार, राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8-10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। अब मोबाइल पर हर कॉल आने वाले का नाम देखेगा। टेलीकॉम कंपनियों ने कॉलर आईडी डिस्प्ले सर्विस शुरू कर दी है। मुंबई हरियाणा में इसका ट्रायल भी शुरू हो गया है। अब फोन पर अनजान नंबर से कॉल आने पर कॉलर का नाम भी दिखाई देगा और स्टेट का नाम भी उसके साथ दिखाई देगा। टेलीकॉम कंपनियों ने इस संबंध में मुंबई और हरियाणा सर्किल में ट्रायल शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अन्य शहरों में भी यह सर्विस शुरू करने की योजना है। इसका नाम कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन दिया गया है। 16% लोगों को हर दिन 3 से ज्यादा कॉल आते हैं, स्पैम कॉल भी माने जाते हैं। 10 से ज्यादा 3% तक कह नहीं सकते कि कौन से कॉल आते हैं, लेकिन अब टू कॉलर की तरह ये एक सर्विस होगी। टू कॉलर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषित झुंझुनवाला ने मनी कंट्रोल से बात करते हुए कहा है कि CNAP सर्विस कंपनी की मौजूदा कॉलर आईडी एप्लीकेशन की तरह ही होगी, लेकिन इसके लिए उन्हें बिजनेस ऐप पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की फटाफट आज की 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में बुलेट ट्रेन का ट्रायल ट्रैक देश में पहला। मिट्टी में दबी थी अंग्रेजों की बनाई लाइन, सैटेलाइट से खोज कर बिछाया नेटवर्क। राजस्थान में देश का पहला बुलेट ट्रेन ट्रायल ट्रैक बनाकर लगभग तैयार हो चुका है। पहले फेज का काम सितंबर में पूरा होने के बाद 230 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बुलेट ट्रेन का ट्रायल किया जा सकेगा। करीब 60 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक सांभर झील के बीच से निकाला गया है। खास बात यह है कि देश की पहली बुलेट ट्रेन के लिए तैयारियों को जानने के लिए यह पहला एक ट्रैक है, जहां पर दूसरे देश भी यहां पर आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन की जांच करेंगे। भविष्य में प्रस्तावित है बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट। भविष्य में राजस्थान में बुलेट ट्रेन चलाने को लेकर सर्वे भी हो चुका है। दिल्ली से अहमदाबाद तक चलने वाली इस ट्रेन के 9 स्टेशन राजस्थान में होंगे। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अलवर, उदयपुर और डूंगरपुर से ये मार्ग गुजरेगा। इससे पर्यटकों को भी फायदा मिलेगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान राज्य में अब तक 77 लाख उज्ज्वला कनेक्शन जारी किए गए हैं। तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक तथा इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख आलोक कुमार बाड़ा ने बताया कि राजस्थान राज्य में अब तक 77 लाख उज्ज्वला कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। राज्य में कुल LPG कनेक्शन की संख्या 1,82,00,000 है। इस बात पर बल दिया गया है कि सभी ग्राहक भरा सिलेंडर लेने के समय वजन, सील एवं लीकेज की जाँच अवश्य कराएं। राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के 40 जिलों का बदल जाएगा नक्शा। भजनलाल सरकार ने दिया यह निर्देश। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में भले ही अपेक्षा अनुरूप सीटें नहीं मिली हो, लेकिन भाजपा सरकार ने 40 जिलों में नवगठित 86 नगर पालिकाओं यानी छोटे शहरों में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। स्वायत्त शासन विभाग ने संबंधित सभी कलेक्टरों को वार्डों के परिसीमन शुरू करने के लिए कहा है। खास बात यह है कि राजस्थान के 40 जिलों का नक्शा बदल जाएगा। इस संबंध में भजनलाल शर्मा ने निर्देश भी दिए हैं। जिलेवार नवगठित नगर पालिका तय की जाएगी। राजनीतिक दलों का सीधा दखल हो सकेगा। विधायकों का दबदबा भी बढ़ेगा, क्योंकि वार्ड सदस्य चुनाव के लिए प्रत्यक्ष चयन में विधायक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विकास कार्य होंगे तो नेताओं को बताने के लिए काम होंगे। सभी नवगठित नगर पालिकाओं में अभी सभापति सरपंच ही है। इनमें ज्यादातर कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इन ग्राम पंचायतों में जो सबसे बड़ी है उसके सरपंच को सभापति और वार्ड पंचों को वार्ड सदस्य माना गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, भजनलाल सरकार शहरों को देगी बड़ी सौगात। 18,500 करोड़ से 40 शहरों की बदलेंगी सूरत। भजनलाल सरकार शहरों को बड़ी सौगात देने जा रही है। प्रदेश के 40 शहरों का डेवलपमेंट होगा, जिस पर करीब 18,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भजनलाल सरकार की शहरों को यह बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के 40 शहरों का डेवलपमेंट होगा, इसके लिए राशि का 70% यानी 13,000 करोड़ रुपए विश्व बैंक और एशियन विकास बैंक से लोन के रूप में लिया जाएगा, और इसका राज्य सरकार पूरा वहन करेगी बाकी के 5,500 करोड़ रुपए। डेवलपमेंट में आपको बता दें कि प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर 24 घंटे पेयजल आपूर्ति, सीवरेज सुविधा उपलब्ध कराने, इंडस्ट्रियल और कृषि के लिए परिशोधित जल की उपलब्धता करवाई जाएगी। इसके अलावा ठोस कचरा प्रबंधन को प्रभावी तरीके से लागू करते हुए जीरो वेस्ट मॉडल पर काम होगा। वहीं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी की दिशा में काम होगा। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के 3 सांसदों ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। राजनीतिक गलियारों में हलचल। राजस्थान के 3 सांसदों ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। ये सभी सांसद हाल ही में विधायक से सांसद बने हैं।
राजस्थान में हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए। प्रदेश से सभी 25 सीटों में से भाजपा ने 14 तो इंडिया गठबंधन ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं विधायक से सांसद बने कांग्रेस विधायक हरीश मीणा, मुरारी लाल मीणा और ब्रजेंद्र ओरा ने विधानसभा अध्यक्ष को विधायक पद का इस्तीफा सौंप दिया है। प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव में 5 विधायक यानी 3 कांग्रेस के और 1 आरएलपी और 1 बीएपी सांसद बन चुके हैं, लेकिन 3 विधायकों ने अब तक इस्तीफा दे दिया है और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अब तक अपना इस्तीफा नहीं दिया है। इसके अलावा एक बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने भी इस्तीफा नहीं दिया है। और इसी के साथ ही बहरहाल बढ़ते हैं प्रदेश की अगली बड़ी खबर के साथ। राजस्थानी होगा भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संभावित चेहरों में 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जल्दी समाप्त होने वाला है। ऐसे में अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राजस्थान से 3 नाम चर्चाओं में बने हुए हैं। साफ तौर पर कहें तो राजस्थानी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। कौन होगा भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौन लेगा निवर्तमान हो रही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह और कौन होगा जो नंबर 1 पोजीशन पर रहकर संगठन को मजबूती देगा? सवाल कई सारे हैं जो लोग इस वक्त राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक इनमें सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। इसी बीच भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के कई संभावित शहरों में राजस्थान के 3 नेताओं का नाम सामने आ रहा है। इनमें पूर्व राज्यसभा सांसद ओम माथुर, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बांसल और सौंकाने वाले नाम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल है। ये नाम ऐसे में राष्ट्रीय भाजपा के अध्यक्ष हो सकते हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान के 17 जिलों में आंच बांधी और बारिश का अलर्ट, प्री मानसून का असर बढ़ेगा। जयपुर कोटा सहित कई जिलों में बारिश के बाद मौसम बदला, प्री मानसून की बारिश राजस्थान को भिगोने लगी है। आज 17 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना आईएमडी ने जताई है। पिछले 24 घंटे के दौरान जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, करौली, कोटा, बूंदी, पारा में कई जगह हल्की बारिश हुई है। जयपुर, भरतपुर और अलवर में दोपहर के बाद कुछ जगह आंधी चली है। मौसम के इस बदलाव से जयपुर में तापमान गिरकर 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। इसी के साथ ही मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। 18 जून के बाद इसमें बढ़ोतरी होगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सीकर में उमस ने लोगों को परेशान किया है। हालांकि मौसम विभाग ने आज कुछ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, उसमें प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वही प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में ओपीएस जारी करने की उठी मांग, सीएम बृजलाज शर्मा ने बजट सत्र को लेकर वर्गों से किया संवाद। बृजलाज सरकार अगले महीने पेश होने वाले प्रदेश के बजट के लिए अब तक 1,10,000 से अधिक सुझाव मिल चुके हैं। इनमें सरकार से पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस जारी रखने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और शिक्षा का बजट बढ़ाने जैसे विषयों को लेकर प्राथमिकता देने की अपेक्षा की गई है। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी राज्य के बजट को लेकर 17 से 20 जून तक अलग अलग 8 समूहों के साथ संवाद करेंगे। इसमें ओपीएस को लेकर बड़ी बात हो सकती है। राजस्थान सरकार ने आमजन सहित सभी वर्गों से प्रदेश के बजट को लेकर 20 जून तक सुझाव मांग रखे हैं, जो वित्त विभाग की वेबसाइट पर दिए जा सकते हैं। अब तक वित्त विभाग को 1,10,000 से अधिक सुझाव मिल चुके हैं, जिनका वर्गीकरण करने में समय लगने की संभावना है। इसी के साथ ही देश प्रदेश के लिए बड़ी खबर, 17वीं किस्त को लेकर आ रही है, इंतजार हुआ खत्म, पीएम मोदी 18 जून को किसानों के लिए जारी करेंगे 20,000 करोड़ रुपए। देशभर के 9 करोड़ 26 लाख किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त डेट आ गई है। 18 जून को किसानों को पैसा ट्रांसफर पीएम मोदी खुद करेंगे। बताया जा रहा है कि यह पैसा काशी से ट्रांसफर किया जाएगा। इसी के साथ ही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान से आने वाले केंद्रीय मंत्री चौधरी बोले 3 कृषि बिल वरदान साबित होते, कोरोना नहीं आता तो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाती। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा है कि अगर कोरोना नहीं आता तो देश के किसान की आय 2022 तक दोगुनी हो जाती। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुना करने की घोषणा की थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2-2.5 साल काम नहीं हो सका। पीएम मोदी किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में दिन रात काम कर रहे हैं। भागीरथ चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार किसान हित में 3 कृषि बिल लेकर आई थी, तीनों कृषि बिल किसानों के लिए वरदान साबित होते, लेकिन वे राजनीति का शिकार हो गए और लागू नहीं हो सके। हम किसानों के बीच जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि उनके हित में क्या हो सकता है, हम आगे किसानों से संवाद भी करेंगे। वही राजस्थान प्रदेश से बड़ी खबर, भजनलाल का बाप भी कैंसिल नहीं कर सकता 17 नए जिलों पर, बोले कांग्रेसी नेता। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हेमाराम चौधरी का एक आपत्तिजनक बयान सामने आया है।
जैसलमेर में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने अशोभनीय टिप्पणी कर दी। हाल ही में राज्य सरकार ने गहलोत राज्य में बने 17 नए जिलों पर रिव्यू करने का फैसला लिया था। स्थानीय पत्रकार ने इस संबंध में जब हेमाराम चौधरी से सवाल किया तो चौधरी ने आपत्तिजनक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं होगा, बजलाल से राजस्थान में नए जिले जो बनने थे वो बन गए, अब बजलाल का बाप ये कैंसिल नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, वसुंधरा राज सरकार ने पारित धर्मांतरण बिल को वापस लेगी बजलाल सरकार। राजस्थान सरकार 16 साल पुराने राजस्थान धर्म संयंत्र विधेयक 2008 पर पुनः विचार कर रही है, जिसे राष्ट्रपति मंजूरी मिलना बाकी है। नए कानून में जबरन धर्म परिवर्तन के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य जबरदस्ती और धोखाधड़ी को रोकना है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने कार्यकाल में ये बिल लेकर आई थी, लेकिन अब बजलाल सरकार उसे अपना वापिस लेगी। धर्म परिवर्तन में अंकुश के लिए गाइडलाइन भी जारी हुई है। नया बिल नए प्रावधानों के साथ लागू किया जाएगा। जो विधेयक लंबित पड़ा है उसमें जिला कलेक्टर के अनुमोदित के बाद बिना धर्म परिवर्तन नहीं होने का प्रावधान था, दोषी को 5 साल की सजा का प्रावधान था। अब मौजूदा सरकार कुछ नए प्रावधानों के साथ इस बिल को फिर से लागू करेगी। यदि राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।